नमस्कार, आप देख रहे हैं नित्या न्यूज टीवी। नित्या न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ विनोद कुमार। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा दो दिवसीय प्रवास पर दतिया पहुंचे। शनिवार के दिन गृह मंत्री दतिया निवास पर पहुंचकर आमजन की समस्याएं सुनी। तत्पश्चात गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने मां पीतम्बरा मंदिर पर पहुंचकर मां बगलामुखी की पूजा अर्चना की। वहीं शंकर भगवान बलकंडेश्वर का दूध से जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की। इसके बाद गृह मंत्री शनिदेव मंदिर पर पहुंचकर पूजा अर्चना की, गरीबों को दान दिया एवं इसके उपरांत गृह मंत्री निर्धारित कार्यक्रम ग्राम द्वारा गोराघाट पहुंचे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर सभी पार्टी कार्यकर्ता एवं ग्रामवासियों ने गृह मंत्री का मंच पर फूलों की माला, पगड़ी एवं सिर पर चांदी का ताज पहनाकर भव्य स्वागत किया। गृह मंत्री ने कार्यक्रम में 14,08,00,000 की राशि से बनने वाला बाया चुना घाट चौकी से हाईवे पहुंचकर मार्ग का भूमि पूजन किया। मंच से क्या कुछ कहा गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने, देखिए दतिया से रजनी लटोरिया की खास खबर। 14,08,00,000 जब मैं ये सड़क मंजूर करा रहा था तो मेरे से वो अधिकारी जो इस विभाग के थे उनने पूछी, ये कोई नगर पालिका का क्षेत्र है कि आप इतनी बड़ी सड़क ले जा रहे हैं? तो मैंने कहा नहीं। तो बोले नगर पंचायत होगी। मैंने कहा कोई नगर नहीं है भाई, गांव है। तो बोले कितना बड़ा गांव है? 4,000-5,000 वोट है। मैंने कहा वोट तो वहां 400-500 भी नहीं है। तो बोले फिर बावले हो गए होंगे। मित्र था मेरा, मैंने कहा कि मैं वोटों की राजनीति करते नहीं हूं, मैं सेवा की राजनीति करता हूं और मेरी क्षेत्र का व्यक्ति कोई भी पीड़ित है मेरे पे बर्दाश्त होता नहीं। मैंने कहा वो भले 400-500 नहीं हो, वो चाहे सबरे तीनों पुरा की बस्ती मिला के 100-200 घर की बस्ती ना हो, लेकिन मेरे दिल के अंदर इतने बैठे हैं चौकी वाले दोहरा वाले कि मेरे दिल के पास। और इसलिए मैंने कहा तू 14,00,000 मत देखे ना 8,00,000 दे, तू तो ये देख कि ये सड़क कैसे बने। और ये मेरी बात का विश्वास नहीं है तो चल के चौमासे में वहां की दिक्कत देख। मैं जानता हूं इस बाढ़ के टाइम में जब अनाज बांटने के लिए और पैसा बांटने को मैं आया तो मैं बैसनारी से दुपुरा से होके आया तो भी गांव में नहीं पहुंच पाया, ट्रैक्टर से गए थे, इतनी मुश्किल से पहुंचा था। ये दर्द वाली बात है। और ताए इलाके में नरोत्तम जैसा सेवक को भाई इतनी दिक्कत आए ये बर्दाश्त नहीं। ठेकेदार साहब ये बता दे कब काम चालू करेंगे। मैंने अब ये सड़क की भी देखना आप, मैंने परसों ई को फोन लगाया। हाँ ई है कार्यपालन यंत्री पीडब्ल्यूडी।